Mirchi Bollywood. टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी की अचानक मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। डॉक्टर हाथी का रोल प्ले करने वाले एक्टर कवि कुमार आजाद ने 19 जुलाई को अंतिम सांसें ली। उनके निधन की खबर सुनकर फैंस के साथ साथ टीवी सेलेब्स को भी बड़ा झटका लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कवि कुमार की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, लेकिन हाल ही में ऐसा सुनने में आया है कि उनकी मौत का कारण उनकी अनसिस्टमैटिक लाइफस्टाइल और इतने ज्यादा बड़ा हुआ वजन भी हो सकता है। 8 साल पहले आजाद ने बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई थी। हाल ही में मीडिया ने उनके डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर हाथी अपना वजन घटाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगता था कि अगर वो वजन कम कर लेंगे तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आजाद 8 साल पहले भी मरने की हालत में आ गए थे और उस समय भी कई बार डॉक्टर ने उन्हें बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने काम न मिलने के डर से ऐसा नहीं किया। बता दें कि उस समय आजाद का वजन 265 किलो था और इतने बड़े हुए वजन के कारण उन्हें चलने में भी परेशानी होती थी। वेल टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।